हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका सुधीर एकेडमी चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे एडमिशन होता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। तो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको जेई मेंस एग्ज़ाम देना होता है। इसका स्कोर कार्ड के थ्रू एडमिशन होता है। ये एग्ज़ाम अप्रैल में कंडक्ट किया जाता है। 7 फरवरी 2020 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो चुका है। इसका स्कोर कार्ड पर बीसीसी द्वारा एक रजिस्ट्रेशन होता है। इसका स्कोर कार्ड पर रजिस्ट्रेशन होता है, फिर बीसीसी के द्वारा आपका एक रैंक कार्ड दिया जाता है। उस रैंक कार्ड के बेस पर आपको बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट अलॉट होता है, ब्रांच अलॉट होता है। कुछ हमारे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे AIIMS मुजफ्फरपुर, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, गया इंजीनियरिंग कॉलेज, बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। इस चार कॉलेज में आपको एडमिशन पाने के लिए अच्छा से अच्छा स्कोर करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। वह कैंडिडेट जो 12th एग्ज़ाम मैथ साइंस स्ट्रीम से पास हो चुका है या 2020 में एग्ज़ाम देने वाला है, वो कैंडिडेट सभी एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं कौन सा स्टेट के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लेने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप बिहार के हैं तो इस बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप अदर स्टेट से हो, अगर आप अदर स्टेट से हो, अगर आपका पिताजी बिहार गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो भी आप इस बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। अगर आप चाहते हैं कि जेई मेंस का फॉर्म कैसे भरते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम वीडियो अपलोड कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।